दोस्तों, क्या आप लोग अपने कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं कोई एप्लीकेशन पे लॉक लगा दूं बिना मेरी मर्जी के, वो एप्लीकेशन कोई ना ओपन कर पाए, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी एप्लीकेशन है, आप लोग बिना किसी अदर एप्लीकेशन के लॉक लगा सकते हैं। आपका कोई भी मोबाइल हो, जो सेटिंग बताऊंगा इसे फॉलो करेंगे तो आप लोग भी अपने मोबाइल में लॉक को लगा पाएंगे। जैसे मेरे पास देखिए रेडमी है, रियलमी, वीवो, मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। तीनों के बारे में आप लोग देख लीजिएगा तो आपको सेटिंग मिल जाएगी। अगर आपका अदर भी मोबाइल है उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में ऐप लॉक करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं कोई भी एक एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पे देखिए काफी सारी एप्लीकेशन है, मैं कोई भी एक एप्लीकेशन पे यहां पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए अमेज़न है, यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे देखिए ये ओपन हो रहा है। और जैसे मुझे इसे लॉक करना है तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे जाना होगा। तो यहाँ सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन सो करें, हमें नीचे आना है। सबसे पहले आपको रेडमी के मोबाइल बता रहा हूँ, फिर आपको दूसरे मोबाइल में बताऊंगा। तो यहाँ ऐप, आपको यहाँ ऐप्स वाले पे क्लिक करना है, यहाँ ऐप लॉक यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो भी आप लोग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं उसे इंटर करना है। अगर आप लोग अभी तक क्रिएट नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं वहाँ पे टिक करना होगा। जैसे मैं आपको अमेज़न के बारे में बता रहा था तो यहाँ पे देखिए अमेज़न शो करा, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इसे ऑन कर लेना। यहाँ पे देखिए ऑन हो गए और यहाँ पे लॉक हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग फेस के थ्रू अनलॉक करना चाहें तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से जो करना चाहिए थी सेटिंग कर लेना है। फिर जैसे इतना कर दिया हूँ, यहाँ से बैक आ जाना है। अब मैं आपको अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, लॉक है कि नहीं। जैसे यहाँ अमेज़न यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा, जब यहाँ पे पिन मालूम रहेगा, पैटर्न या जो भी लॉक लगाए होंगे वो मालूम रहेगा, यहाँ पे इंटर करेंगे तो ओपन होगा, ऐसे नहीं ओपन होगा। तो इस तरह आप लोग अपने रेडमी के मोबाइल में कर सकते हैं। अगर आप लोग हटाना चाहें तो जिस तरह प्रोसेस है इसे जाना है, वहाँ पे ऑफ कर देना है तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। अगर आपका रियलमी का मोबाइल है, आप लोग यहाँ पे लॉक को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है, फिर कमेंट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि आप लोग कौन से कंपनी का मोबाइल यूज करें, बस आपको यहाँ पे इतना कमेंट कर देना है। फिर जैसे आप लोग का रियलमी का मोबाइल है, आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पे लॉक को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल की सभी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको प्राइवेसी यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप कोई भी मोबाइल में ये सेटिंग को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐप लॉक, तो हमें जैसे एप्लीकेशन को लॉक करना है तो यह ऐप लॉक यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग जो भी पासवर्ड क्रिएट करके रखे होंगे वो ऐड करना है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए, जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी एप्लीकेशन शो करी हैं, जो लॉक करना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मैं अमेज़न के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखिए ये ऑन हो गए। और आपको दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ और नीचे ना है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये भी ऑन हो गए। इतना आपको सेटिंग कर लेना है तो आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। यहाँ से बैक आ जाना है। फिर जैसे कोई आपका मोबाइल या एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है तो ओपन होगा कि नहीं वो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप है, जैसे यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे WhatsApp ओपन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। यहाँ जैसे पिन इंटर करूँगा तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग Realme के मोबाइल में लॉक को लगा सकते हैं। अगर आप लोग हटाना चाहते हैं, इसी तरह आपको स्टेप को फॉलो करना है, वहाँ पे जाके ऑफ कर देना है तो ये लॉक हट जाएगा। फिर जैसे आपका देखे Vivo का मोबाइल है, यहाँ पे आप लोग लॉक को लगाना चाहते हैं, यहाँ भी आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे आना होगा। जैसे यहाँ सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके मोबाइल की सभी सेटिंग्स शो करेंगी। आपको नीचे आना है और यहाँ प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी वाले पे क्लिक करना होगा। और यहाँ भी देखे काफ़ी सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, हमें यहाँ प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो भी लॉक लगा के रखे होंगे उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे आप लोग ऐप को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ ऐप इंक्रिप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे लोडिंग ले रहा। फिर आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होंगी यहाँ पे सभी शो करेंगी। जिस एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं, जैसे अमेज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप को दिखा देता हूँ। यहाँ भी व्हाट्सएप को ऑन कर लेता हूँ और नीचे आना है और यहाँ पे देखे व्हाट्सएप, इसे ऑन कर लिया हूँ, यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ, यहाँ पे देखे लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ऐप लॉक टाइम, आप लोग टाइम क्या रखना चाहते हैं, ये कब लॉक हो जाए, यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं केवल यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ, फिर यहाँ से बैक आ जाना है। अब मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ ओपन हो रहा कि नहीं। जैसे यहाँ व्हाट्सएप यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ
तो यहाँ पे देखिए ओपन नहीं हो रहा, जो भी आपका लॉक होगा यहाँ पे आपको देखिए प्रेस करना, फिंगर है तो फिंगर, पैटर्न है तो आपको पैटर्न ड्रॉ करना होगा, तो आपका मोबाइल देखिए जो एप्लीकेशन पे लॉक है वो लॉक अनलॉक हो जाएगा। अगर आप लोग ये इसे अनलॉक ही करना चाहते हैं, सेटिंग पे जाना है आपको वो उसे ऑफ कर देना है, तो यहाँ पे लॉक हट जाएगा। तो इस तरह आप लोग अपने कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सब सेटिंग को फॉलो कर लिए फिर भी आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपका कौन से कंपनी का मोबाइल है आप कमेंट करिए, उस पर वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग अपने उस मोबाइल में भी एप्लीकेशन को लॉक कर पाएंगे।